नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नया वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप रियलमी टीवी यूज करते हो, रियलमी स्मार्ट टीवी को यूज करते हो, ऐसे में रियलमी स्मार्ट टीवी में आपका रिमोट वर्किंग का प्रॉब्लम आ जाए, इश्यू आ जाए कि रिमोट कोई काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे में आपका रिमोट का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे रियलमी टीवी का रिमोट पेयरिंग करोगे अपने टीवी के साथ, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरा इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलते रहता है। सो गाइस, चलिए वीडियो में जानते हैं रियलमी टीवी का अगर रिमोट वर्क ना करे तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपका रियलमी टीवी का रिमोट अगर वर्क ना करे, सबसे पहले रिमोट का सेल को रिप्लेस करके देखे, सेल को चेंज करके देखे, जो कि रिमोट का अंदर थोड़ा सा बैटरी रहता है उसे चेंज करके देखे। अक्सर रिमोट का सेल डाउन हो जाने पर भी रिमोट वर्किंग करना बंद कर देता है। सेकेंड स्टेप है, आप रिमोट को एक बार पेयरिंग करके देखे। पेयरिंग कैसे करते हैं इसे? सो फ्रेंड, ये एक रियलमी का टीवी है और स्क्रीन पर जिस तरह से दिखाया जा रहा है ठीक उसी टाइप से आपको करना है अगर आपका रिमोट को पेयरिंग करना है रियलमी टीवी का साथ में, अगर रिमोट डीपीआर हो जाए। और अगर आपको एक नया रिमोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो ओरिजिनल रियलमी का रिमोट। तो यहाँ से देखिए, रियलमी टीवी है और इसका रिमोट आज करेंगे हम पेयरिंग। तो रिमोट पेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका रिमोट का सेल को एक बार चेक कर ले सही है कि नहीं, या फिर सेल अगर खराब हो गया, डाउन हो गया तो नया सेल को रिप्लेस करे। करने के बाद आपका रिमोट को कुछ इस तरह से टीवी का सामने पकड़े, एकदम सामने क्लोज करे, नीचे जो सेंसर लाइट होता है उसका क्लोज करे। और इसके बाद क्या करना है आपको, रिमोट को कुछ इस तरह से, ये जो बटन शो हो रहा है ना यहाँ पर देखिए, रिमोट में एक रियलमी टीवी का रिमोट है ये, और इसका जो सेंटर बटन दिखा रहा है ना सर्कल वाला, तो इस पर प्रेस करना है आपको, इस पर और नीचे जो छोटा सा सर्कल वाला बटन दिखा रहा है, ये दोनों, ये वाला बटन को स्पेशली, और इसका ठीक नीचे देखिए एक छोटा सा सर्कल वाला बटन है, ये दोनों बटन का इकट्ठा प्रेस करके पकड़ के रखे कुछ सेकंड तक, और स्क्रीन पर फॉलो करें, वहाँ पे सक्सेसफुली पीआर बोल के शो होगा स्क्रीन पे। इसका मतलब आपका रिमोट पीयरिंग हो चुका है टीवी के साथ। बस ये छोटा सा स्टेप को फॉलो करें, अगर रिमोट डीपीआर हो गया तो रिमोट तुरंत पीयरिंग हो जाएगा, आपका रिमोट वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, या फिर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो वीडियो का एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके दूसरों के भी जानने के मौका दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।